अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल जायका कानपुर। और आज हम आपके साथ एक चाइनीज़ रेसिपी लेकर आए हैं जिसे चिकन मंचूरियन कहते हैं। चिकन मंचूरियन है तो चाइनीज़ डिश, पर हम इंडियन भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो इसे ज़रूर ऑर्डर करते हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना वही रेस्टोरेंट वाला मंचूरियन आपको घर में बनाना बताऊँ। बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ चिकन मंचूरियन घर पर बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो फिर आइए देख लेते हैं कि चिकन मंचूरियन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हमने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, हमने चिकन ब्रेस्ट लिया है। चिकन मंचूरियन बनाने के लिए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए हमने कुछ इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं, जिसमें हमने एक अंडा लिया है, इसी के साथ 1 टीस्पून नींबू का रस लिया है, 1 टीस्पून हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, और ये हमने 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर लिया है, इसी के साथ 1 टेबलस्पून हमने चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चावल के आटे से चिकन के पीसेस थोड़ा ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने सिंपली चावल को मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। ये हमने 1/2 टीस्पून नमक लिया है, और इसी के साथ हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। सबसे पहले चिकन के पीसेस को हम 1 इंच के क्यूब्स में कट कर लेते हैं। चिकन को लंबा या क्यूब्स में आप जैसे दिल चाहें इसे कट कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसे क्यूब्स में कट करेंगे। सारे चिकन के पीसेस हमने कट कर लिए हैं और अब हम इसे मैरिनेट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं, इसी के साथ 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डालते हैं और 1 अंडा शामिल करते हैं, साथ ही नींबू का रस ऐड करते हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा डालते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर इस टाइम डाल सकते हैं, वैसे मैं कलर वगैरह थोड़ा अवॉइड करती हूँ, पर आप किसी गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चिकन में हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं और अब हम इसको 10 मिनट मैरिनेशन पर छोड़ते हैं, फिर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। और अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप इसी टाइम इसे फ्राई कर सकते हैं, और मैरिनेट करने से चिकन अंदर से सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ी देर मैरिनेशन पर छोड़ते हैं। 10 से 15 मिनट हुए चिकन को मैरिनेट होते हुए, अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो गैस पर हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें चिकन के पीसेस डालते हैं। जब ये एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो आप इसे फ्लिप कर दें और दूसरे साइड से भी ऐसे ही गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। इस तरफ से भी चिकन के पीसेस फ्राई हो गए हैं, हम इसको निकाल लेते हैं। आपको इसी तरीके का गोल्डन कलर लाना है, हमें इसको बहुत ज़्यादा बर्न नहीं करना है। और अब इसी सेम प्रोसेस से हम बाकी के पीसेस भी फ्राई कर लेते हैं। हमारे दूसरे बैच के भी चिकन के पीसेस अच्छे से फ्राई हो गए, हम इसे भी निकाल लेते हैं। और आइए देख लेते हैं कि चिकन मंचूरियन बनाने के लिए अब हमको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चिकन मंचूरियन बनाने के लिए हमने ये 1/2 केजी चिकन लिया, जिसके पीसेस फ्राई करके प्लेट में निकाल लिए हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जिसमें ग्रीन, रेड और येलो शिमला मिर्च लिए हैं। मेरे पास तीनों कलर मौजूद थे, इसलिए मैंने तीनों यूज़ कर लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ ग्रीन को लेकर भी चिकन मंचूरियन बना सकते हैं। ये तीनों शिमला मिर्च को हमने 1/2 यूज़ करा है और क्यूब्स में इसके पीसेस कट कर लिए हैं। इसके साथ हमने स्प्रिंग अनियन ली है और इसको भी छोटा छोटा कट कर लिया है। ये हमने 1/2 प्याज ली है, जिसको बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है, और बची हुई 1/2 प्याज को हमने ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसी के साथ हमने थोड़ी सी गाजर ले ली है, जिसे पतला लंबा काट लिया है। गाजर पूरी तरीके से ऑप्शनल है, क्योंकि हमने इसे गार्निश करने के लिए लिया है। इसी के साथ हमने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं और इसको बारीक चॉप कर लिया है। मंचूरियन कोई भी हो, गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये हमने 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, तो तीखा आप अपने हिसाब से ही रखें। इसी के साथ हमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए, साथ ही हमने रेड चिली सॉस और टोमेटो केचप लिया है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हमने नमक लिया है और 1 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है, और ये हमने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, जिसमें पानी ऐड करके एक लम्स फ्री पतला घोल बना लेंगे। कॉर्नफ्लोर का घोल हमारा रेडी हो गया, हम इसे साइड करते हैं और चिकन मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं।
जिस कढ़ाई में हमने चिकन फ्राई करा था उसी का सारा ऑयल हमने निकाल दिया और अब हम इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डालते हैं। तो यहाँ पर आप सिसम ऑयल यानी तिल के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि चाइनीज़ डिशें तिल के तेल में ही बनती हैं, लेकिन हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास तिल का तेल मौजूद हो तो आप उसी में इसे बनाएं। अब हम इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड करते हैं, साथ ही थोड़े से वाइट वाले तिल ऐड करते हैं ताकि तेल में तिल का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। इस टाइम हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन भी ऐड कर देते हैं। हमें लहसुन और प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। प्याज का कलर बहुत लाइट सा गोल्डन हो गया और अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं। कलरफुल शिमला मिर्च की वजह से देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इस टाइम हम इसमें प्याज के क्यूब्स भी ऐड कर देते हैं और इन वेजिटेबल्स को 1 से 2 मिनट हम भून लेते हैं। हमें इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं जिसमें रेड चिली फ्लेक्स, सोया सॉस और नमक डालते हैं। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल देते हैं। इस टाइम हम इसमें स्प्रिंग अनियन डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस डालते हैं, आप चाहें तो ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। साथ ही 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप डालते हैं। सॉसेस डालने के 1 मिनट बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा सॉस के साथ मिक्स कर लेते हैं। चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसमें बनाया हुआ कॉर्नफ्लोर का घोल डालते हैं। इसी के साथ पानी भी ऐड कर देते हैं क्योंकि कॉर्नफ्लोर का घोल डालने के बाद ये बहुत तेज़ी से गाढ़ा हो जाता है, तो आप इसमें सडन ही पानी डालें। आप इसे मिक्स करते हुए रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डालें। हमने इसमें 1 ग्लास वाटर यानी 250 ml के करीब पानी का यूज़ किया है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डालें। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी डालने से मंचूरियन का टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आता है, तो आप इसे स्किप बिल्कुल ना करें। लिड लगाकर हम इसे 1 से 2 मिनट कुक कर लेते हैं और फिर इसे सर्व करते हैं। चिकन मंचूरियन को पकते हुए 2 मिनट हुए और हमारा चिकन पहले से ही सॉफ्ट था, तो हमें इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, हम इसे सर्व कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। चिकन मंचूरियन हमने सर्व कर दिया है और अब हम इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स डालते हैं, साथ ही थोड़े से सिसम सीड डालते हैं, साथ ही थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन और गाजर डालते हैं। और ये लीजिए, रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं लगेगा। आप इसे प्लेन राइस या फ्राइड राइस किसी के साथ भी खाएं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और फ्राइड राइस की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो इस आसान सी रेसिपी को आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप ये आपको और आपकी फैमिली में सभी को बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो देर किस बात की, लाइक करें। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।